Hey what's up everybody, technology everywhere here back again with another video. तो आज हम basically बात करने वाले हैं iPhones के बारे में. तो पिछले वीडियो में मैंने iPhones की बहुत जमकर बेइज्जती करी थी और पहले भी मैं करता ही रहता हूँ. बेसिकली जितने भी टेक्निकल यूट्यूबर्स हैं ये ज़्यादातर iPhones के साथ नहीं रहते हैं. तो आज क्यों नहीं रहते हैं? इन सब की मैं बात करने वाला हूँ. iPhones का एक बेसिकली ओवरव्यू करूँगा, एक रिव्यू जैसा करूँगा कि iPhones किस तरह से अच्छा है. बात अभी जो मुझे रिसेंटली पता चली है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है iPhone XR के बारे में, जो भी XR है उसके बारे में पता चली, और iPhone XS और XS Max के बारे में भी मुझे बहुत सारी बातें पता चली है जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी देखो एप्पल ने 3 फोन्स निकाले, ठीक है. तो कुछ टाइम पहले एप्पल ने एक फोन निकाला था iPhone X, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया एप्पल ने. हाँ, किया था, मैं खुद बोलता हूँ किया था iPhone X में किया था. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि iPhone ने एप्पल ने ये नेक्स्ट 3 iPhones क्यों निकाले, इनका निकालने का सेंस क्या था. अभी अभी iPhone X जस्ट लॉन्च हुआ था और जिन लोगों ने iPhone X ले लिया, और मैं बता दूँ आपको iPhone X की अब एप्पल की वेबसाइट पर कहीं पर भी iPhone X को आप दिखते ही नहीं है. पहले जब एप्पल की वेबसाइट आप खोलते ही थे तो फर्स्टली जो एक बनकर आता था ना बैनर जैसा, वही iPhone X का होता था, और अब iPhone X पूरी वेबसाइट पर ही कहीं नहीं दिखता है. ऐसा क्यों किया एप्पल ने? एप्पल ने iPhone X को गायब ही कर दिया एकदम से. और ये जो 3 नए iPhones निकाले उसकी मैं बात कर लूँगा आपको, तो मुझे एक सीक्रेट बात पता चली है बहुत ज़्यादा. एप्पल ने इस बार क्या किया है देखो, iPhone XR, और ये बात मैं बता दूं, ये बात बहुत बेकार है, और मैं बता दूं XS जो 10S और 10S Max है इसका पहले बात कर लेते हैं. तो 10S और 10S Max ये दो मॉडल्स निकाले एप्पल ने, ऐसा क्यों किया? दे बोथ आर बेसिकली एग्जैक्टली द सेम. उनके स्पेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्क्रीन का डिफरेंस है कि एक में स्क्रीन छोटी है एक में स्क्रीन बड़ी है, और कोई डिफरेंस नहीं है. चलो ठीक है, मान लो एक स्क्रीन बड़ी वाली हो जाती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है. स्पेक्स बिल्कुल सेम है दोनों की, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम. और बात कर लूँ A12 बायोनिक की, तो देखो एप्पल चाहे A11 बायोनिक रख दे, चाहे A12 बायोनिक रख दे, चाहे A13 बायोनिक रख दे, हु केयर्स, यू आर स्टिल गोना पे फॉर दैट. किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि एप्पल कोई भी चिप रख दे, क्योंकि लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो चिप में है क्या, वो चिप काम कैसे कर रही है. एप्पल ने क्यों A11 से अपग्रेड बोला है A12 को? मैं बताता हूँ, A12 बैटरी कंसप्शन कम करती है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा देती है एज कम्पेयर टू A11. इतना डिफरेंस है. अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर समझाने बैठा तो 20-30 मिनट आराम से निकल जाएंगे, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा. तो मैं वो बात नहीं करने वाला हूँ. अब बात करूँ iPhone XR की, जो कि है XR, तो इसकी मैं बात ना करूँ तो ज़्यादा बढ़िया है. क्या हुआ है XR में, मैं बताता हूँ. देखो 10S और 10S Max में सुपर रेटिना डिस्प्ले लगा हुआ है. तो एक आईफोन में सबसे महंगा पार्ट उसका डिस्प्ले होता है, ठीक है. सबसे महंगा पार्ट जो आईफोन को सबसे महंगा बनाता है, आईफोन ही नहीं, मैंने देखा है मेरे दोस्त पे, एक मैकबुक प्रो थी, मैकबुक प्रो 1.5 लाख रुपए कुछ की थी, उसके हाथ से वो मैकबुक गिरी. और जब उसका क्या हुआ था कि जो स्क्रीन थी ना उसकी, वो डैमेज हो गई थी गिरने से हाथ से, और थोड़ा सा कीबोर्ड में भी डैमेज आया था, ठीक है. 45,000 रुपये सिर्फ स्क्रीन बदलने के लिए ले लिया एप्पल ने. एप्पल मतलब जो सब सेंटर होता है एप्पल का, समझ रहे हो बात को, 45,000 रुपये का एक नया लैपटॉप आ सकता है उसका मैकबुक ने. एप्पल ने सिर्फ एक स्क्रीन बदला, तो सबसे महंगा पार्ट एक एप्पल के प्रोडक्ट में उसकी स्क्रीन होती है. अब चलो मान लो कि ठीक है, तो मोस्ट अफोर्डेबल फोन एप्पल ने निकाला था XR 10R. तो 10R में क्या किया उन लोगों ने, LCD का एक घटिया सा डिस्प्ले डाल दिया. घटिया बेसिकली, कितना घटिया, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ उस वर्ड पे, कितना घटिया. आईफोन XR की स्क्रीन को, ठीक है, मैं अब इसके बारे में नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ दिखाऊँगा आईफोन XR की स्क्रीन को और आईफोन 4S की स्क्रीन को, या आईफोन 4 की स्क्रीन को ज़रा एक बार मैच करके देखना, उसमें क्या डिफरेंस होता है, फिर देख के बताना कि आईफोन XR में और iPhone 4 की स्क्रीन्स में क्या डिफरेंस है. एप्पल ने iPhone XR में iPhone 4 की स्क्रीन लगा दी है, बस थोड़ा साइज बड़ा कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है ना. PPI सेम है iPhone 4 का और iPhone XR का. तो क्यों ले रहे हैं iPhone XR, तो हम क्यों ले रहे हैं iPhone, क्या मतलब, क्या क्या किया एप्पल ने इस बार?
मतलब एग्जैक्टली 10 साल पहले या 8 साल पहले कुछ जब लॉन्च हुआ था, तो 8 साल पहले एप्पल कैपेबल था इस स्क्रीन को लगाने का, ठीक है, और 8 साल बाद उसने फिर से वो स्क्रीन लगा दिया। अब ऐसा क्यों किया एप्पल ने? अफोर्डेबल बनाना था तो कुछ और कर देते भाई, अफोर्डेबल नहीं बनाते वो ज़्यादा बढ़िया था, एप्पल के नाम में अफोर्डेबल अच्छा नहीं लगता है। फिर इन लोगों ने स्क्रीन को एक घटिया सा डिस्प्ले के साथ दे दिया और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है, पता ही नहीं है लोगों को कुछ। मैं बता रहा हूँ, आईफोन जो 3 नए लॉन्च हुए हैं उसके साथ अगर देखो, जैसे प्राइस का कंपैरिजन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, चलो मान लो प्राइस को भी आ जाए, तो प्राइस मैं बता दूँ एप्पल प्रोडक्ट्स के हमेशा ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो दूसरी कंपनी से ले लो। अब चाहे वो मिड रेंज फ़ोन से हो, चाहे वो फ्लैगशिप फ़ोन से हो, चाहे वो बजट फ़ोन से हो, सबके प्राइस एप्पल के प्राइस हमेशा ज़्यादा रहते हैं चाहे वो कुछ भी दे। आईफोन 2G, आईफोन 3GS, जितने भी आईफोन लॉन्च हुए ना उन सबकी हिस्ट्री देख लो, सबसे ज़्यादा प्राइजेस उन्हीं आईफोन्स की रही उस टाइम पे, और अभी भी वही हो रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट से थोड़ा भटक रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एप्पल ने इतने पैसे के साथ सबसे पहली बात तो LCD डिस्प्ले दिया, कोई बात नहीं, मैं LCD चलो मैं अभी तीनों आईफोन्स की बात कर रहा हूँ, तीनों आईफोन्स की, आईफोन XR, XS और XS Max, जो कि है 10R, 10R, 10S और 10S Max जिसको बोलते हैं। मैक्स इसीलिए लगाया क्योंकि मैक्स कूल लग रहा था उन लोग को, प्लस जैसे 6S प्लस था तो अब वो प्लस, अब 10S प्लस अच्छा नहीं लगा उन लोग को, इस वजह से उन लोगों ने मैक्स लगा दिया। इसके अलावा इसका कोई भी रीज़न नहीं था मैक्स लगाने का, चलो वो भी मान लिया मैंने, मैक्स लगा दिया, ठीक है मान लिया। मैं अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात, एप्पल का सबसे महंगी चीज़ क्या होती है? उसका डिस्प्ले, राइट? तो अब आप एक बात बताइए कि हम एप्पल के डिस्प्ले से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका डिस्प्ले अच्छा हो, दूसरे फ़ोन से कंपेयर करने में अच्छा हो उसका डिस्प्ले। लेकिन क्या हुआ मैं बताता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 से आप आईफोन 10S मैक्स को कंपेयर करके देख लो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ देख लो, मैं बता नहीं रहा क्या होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ देख लो, खुद ही देख लो, पता चल जाएगा अपने आप। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, और एक वीडियो का नहीं डालूंगा, 3-4 वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, और देख लेना 10S मैक्स के रिजल्ट्स और जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 है उसके रिजल्ट्स। और मैं क्यों बोलता हूँ भाई कि सैमसंग अच्छा है, एप्पल अच्छा नहीं है, या कोई दूसरा ब्रांड अच्छा है, एप्पल उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एप्पल मेरी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा नहीं उतर पाया, ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात मुझे लगी। और डिस्क्रिप्शंस में जो वीडियोस के लिंक दिए हैं वो ज़रूर देख लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा एप्पल की असलियत क्या है, ठीक है। और बताऊँ और एप्पल ने क्या किया है भाई, एप्पल ने एसेसरीज, जो डब्बे में एसेसरीज आती है ना, जैसे कि ईयरफोन्स होते हैं और चार्जर होता है, सब कुछ सस्ता टिकाऊ माल लगा दिया। आप खुद देख लेना, किसी अनबॉक्सिंग वीडियोस में देख लेना या किसी और दूसरे रिव्यू में भी देख लेना यूट्यूबर की, उन लोगों ने भी यही बात बोली है। मतलब 5 वोल्ट का एक स्लो चार्जर, ठीक है, आईफोन 10 के साथ, ठीक है, मतलब ये क्या बात होती है, 1,00,000 रुपए के फ़ोन के साथ आपको क्या मिलता है, एक स्लो चार्जर, ठीक है, चलो स्लो चार्जर मिलता है मान लो, कोई नहीं, केबल की क्वालिटी कैसी होती है, जो आईफोन यूज़र्स हैं वो मुझे देख रहे हैं उनको पता ही होगा केबल की क्वालिटीज़ कैसी होती है। अभी भी मेरे अलमीरा में पड़ी हुई हैं केबल्स टूटी एप्पल की, इतनी केबल, 2-3 केबल हैं जो एप्पल की टूटी पड़ी हैं, तार निकल जाते हैं उसके, चलो मान लो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन लोगों ने इस बार क्या होता है कि एक पोर्ट होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, जैसे इसमें USB टाइप सी है बस, ठीक है, ऑडियो जैक निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, ऑडियो जैक निकाल दिया, इसका क्या बोलते हैं, डिज़ाइन अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर ऑडियो जैक निकाला है तो उसके साथ एक मॉड्यूल तो दो जिससे हम कनेक्ट कर सकें USB टाइप सी टू 3.5 mm जैक, वो मॉड्यूल भी नहीं दिया है जो लास्ट आईफोन में दिया था, वो इस आईफोन में निकाल दिया। तभी मैं सोच रहा था कि एप्पल ट्रिलियन डॉलर कंपनी कैसी बनी जा रही है। अब देख लो क्या कंपनीज की कमी है, अमेज़न देख लो और भी कंपनीज देख लो, माइक्रोसॉफ्ट को देख लो यार, वो भी ट्रिलियन डॉलर कंपनी नहीं बन पाई है। माइक्रोसॉफ्ट, पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़,
ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से हो, और मैक में क्या अच्छा है भाई, मैक में iOS 12 में अभी रिसेंटली एक रिसर्चर ने ऐसी वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है कि एक लिंक भेज के मैं किसी दूसरे इंसान का आईफोन को वहीं की वहीं रीस्टार्ट कर सकता हूँ, वहीं की वहीं, ठीक है ना। एप्पल का एक लिमिट एक्सीड कर जाता है वो लिमिट, लेकिन वो ही मैं ट्राई कर चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ। और एंड्रॉयड की बात करूँ, एंड्रॉयड में मैंने खोला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैक में मैंने खोला, मैक चिपक गया, मैक बिल्कुल लैग करने लगा, कुछ नहीं चल रहा मैक में, बिल्कुल एकदम जैसे क्या बोलते हैं वो नहीं है, 512 MB वाले फ़ोन नहीं आते थे, 512 MB वाले फ़ोन पहले आते, सैमसंग गैलेक्सी स्टार वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे वो चिपक जाते थे वैसे ही मैकबुक चिपक गई, मैकबुक प्रो जो मेरे दोस्त पे मैंने आपको बताया था ना, उसी में मैंने ट्राई किया था, चिपक गया वो, ठीक है। और आईफोन की बात करूँ तो आईफोन तो मेरे पास पर्सनली भी है, वो वहीं की वहीं रिस्टार्ट हो गया iOS 12 पे, जबकि मैंने अपडेट ले लिया था। तो iOS 12 में इतना बड़ा बग निकल गया, तो फिर एप्पल की सिक्योरिटी को हम बोलते कि भाई बहुत अच्छी होती है, होती होगी भाई, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। 16 ईयर्स ओल्ड ने एप्पल की सिक्योरिटी को पेनिट्रेट कर दिया, अब इसमें मैं क्या बोलूँ भाई। माइक्रोसॉफ्ट का तो मैंने आज तक न्यूज़ नहीं सुनी ऐसी कि माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी को एक 16 साल के बच्चे ने या 15 साल के बच्चे ने पेनिट्रेट कर दिया, मतलब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एप्पल पसंद नहीं है, बस मैंने इतना बोल दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अभी का भी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, राइट में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और जितने भी बग्स वगैरह आईफोन्स वगैरह से रिलेटेड वीडियोज हैं जल्द से जल्द मिल जाए। फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।